गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एक लॉन्ग गैप के बाद में, लॉन्ग गैप कहने का मतलब 10 डेज के बाद में आपने जो दो टेस्ट दिए हैं वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आपने दिया है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं सभी से यही कहता हूँ कि बी सेफ, ठीक है। आप अपना और अपने फैमिली का पूरा ध्यान दीजिए, घर पे रहिए और आपके पास पूरा टाइम है, पूरे आप अभी 24 आवर्स में से मिनिमम आपके पास स्टडी करने के लिए 16 आवर मिनिमम है। 8 आवर्स की आप स्लीपिंग मोड में जा सकते हैं यानी सो सकते हैं और बाकी के 8 घंटे में बहुत सारे काम, लेकिन आपके पास 16 आवर्स तो एकदम कंप्लीट स्टडी करने के लिए रख सकते हैं। तो 16 आवर में से 10 आवर्स में तो कोई शक ही नहीं है कि आप 10 आवर्स की स्टडी नहीं कर सकते। तो जो भी इसके पहले के जो भी लेशन है उसको प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी रिवीजन की बातें हैं वो कर लीजिए और उसके बाद में अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट लेशन जो 11th के हैं अगर उसमें भी कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो ये सही टाइम है आपको उसका रिवीजन करके और उसके रिलेटेड डाउट अपने टीचर से डिस्कस करने का, ठीक है। अब इसी के साथ आपका 11th का पोर्शन कम्प्लीट हो गया। 11th के बाद में अब हम लोगों को 12th में इंटर करना है और 12th में आपको जो फर्स्ट लेशन है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में आपका सेकेंड लेशन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड लेशन होगा आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और फोर्थ लेशन होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इस रिप्रोडक्शन के यूनिट में 4 लेशन है जिससे 2 लेशन प्लांट से रिलेटेड है, 2 लेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो है जेनेटिक्स का और जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया यानी कि, और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का यूनिट आएगा, ओके। उसके बाद में आपका इकोलॉजी का यूनिट आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी 2 लेशन हैं। तो ये इतने टोटल 16 लेशन जो है वो आपके प्लानिंग में है यानी कि आपके एनसीईआरटी के लेशन हैं टोटल। उसमें से फर्स्ट लेशन जो है वो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके। दिस इज द फर्स्ट लेशन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन, ओके। अब चलिए अगर इसमें हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू चलें देखें इसको अगर, तो रिप्रोडक्शन ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा लेशन है, ठीक है। तो इतने इससे आपको मैक्सिमम 1 क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन का इंटरलिंक कभी सेकेंड लेशन जो आएगा थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का इंटरलिंक लेशन है, उसके साथ साथ सेल डिवीजन का इंटरलिंक लेशन है, तो ये छोटा सा लेशन है, ओके। अब आगे चलिए इसमें हम लोग देखते हैं तो रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बेसिक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यानी सेम इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टू यानी कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्पेसिस या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो आप अच्छे से समझते हैं। देखो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग कैरेक्टर में से एक है। तो कहते हैं रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट important living character that occurs
कैरेक्टर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ओके, साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑफ अर्थ। आज से 500 साल पहले भी ह्यूमन बींग्स थे, ठीक, आप लोग पढ़ते हैं BC, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब उस समय भी 5000 साल पहले भी ह्यूमन बींग्स थे, आने वाले 200 साल 500 साल के बाद भी ह्यूमन बींग्स होंगे। क्यों? तो ये ह्यूमन बींग्स की यानी कि होमो सैपियंस सैपियंस की कंटिन्यूटी इस अर्थ पे बनी हुई है। दिस इज ऑनली ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। किसकी वजह से? तो सिर्फ इसी रिप्रोडक्शन की वजह से ये स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी हुई है, अदरवाइज ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। सपोज करें कि आज से सारे ह्यूमन बींग्स का अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए किसी वजह से, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस या अभी पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना आया, तो किसी वजह से खत्म हो जाए, तो क्या आज से आने वाले 150 साल के बाद यानी जो अभी छोटा सा बच्चा भी होगा उसका लाइफ स्पैन कितना होगा? मैक्सिमम 150 ईयर्स, उससे कम मतलब 100 ईयर्स, नहीं फिर भी मैंने 150 ईयर्स का एवरेज लिया। तो जब रिप्रोडक्शन अगर रुक गया यानी कि आज से सिर्फ 150 साल होते होते एक भी ह्यूमन बींग्स नहीं बचेंगे, तो आज भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। दिस इज ऑनली ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। इसीलिए कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए यानी अर्थ पे मेंटेनेंस होता रहे, स्पीशीज मेंटेन रहे, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे बैक्टीरिया हो, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया आपको आएगा, तो बैक्टीरिया पहले भी था, मिलियन ऑफ ईयर पहले भी था और आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। तो क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करते रहता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, इसीलिए। अब आइए रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर है और उसके साथ साथ एक टर्म आता है लाइफ स्पैन, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब कि रिप्रोडक्शन से वो पीरियड, द पीरियड बिटवीन द फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, यानी जन्म लेने से लेकर के और मरने तक के समय के बीच का जो पीरियड है उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। और ये लाइफ स्पैन जो होते हैं वो वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि किसी का बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, एलिफेंट है बहुत बड़ा एनिमल है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा, कोई छोटा एनिमल है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो लाइफ स्पैन जो पीरियड होते हैं इट नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले लाइफ स्पैन का डेफिनेशन क्या है, तो जैसे देखिए इट इज द पीरियड बिटवीन, इट इज द पीरियड बिटवीन birth to death of an organism। फिर कहता है life span is not depends on shape and complexity of shape and complexity of lifespan is not depends on shape and complexity of organism। तो lifespan किस पे depend करता है? lifespan किस पे depend नहीं करता है? तो lifespan किस पे depend करता है? तो lifespan हर एक organism का एक average lifespan होता है। जैसे आप देख सकते हैं example के रूप में मैं आपको देता हूँ, तो क्रो एंड पैरट, कौवा एंड कुत्ता, यानी क्रो एंड पैरट आर सिमिलर इन
same, but the average lifetime of parrot is 140 years and crow is 15 years. तो क्या है क्रो एंड पैरट आर सिमिलर इन शेप बट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पैरट ये पैरट का ये जो आवृत्ति पैरट इज 140 ईयर तोते का जो होता है वह 140 साल जबकि कौवे का 15 साल क्यों ऐसा तो यानी एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो शेप एंड साइज पे कॉम्प्लेक्सिटी पे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करती है अगर ऐसा होता तो पैरट एंड क्रो का सिमिलर होना चाहिए था उसी तरह आप देखो एक मैंगो ट्री ये भी लगभग 140 साल तक का ईयर होता है वहीं जो पीपल का पेड़ है पीपल ट्री 2500 ईयर्स और जो बनियान ट्री है ठीक है तो उसका मानते हैं एवरेज लाइफस्पैन जो है वो 10,000 साल भी हो सकता है तो ये वैरी करता है यानी ये चेंज होता है अब आपको एक काम करना है आपके एनसीईआरटी में इस लेसन में कुछ डायग्राम दिए होंगे यानी एवरेज लाइफस्पैन का एक चार्ट आपको लिख लेना है जो एनसीईआरटी में है जैसे एलिफेंट का डॉग का बनियान ट्री का इन सभी का ठीक है जितना भी एनसीईआरटी में आपको दिया है उन सभी का आपको ये तैयार कर लेना है कि क्या है तो ये हुआ लाइफस्टाइल जो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अब आइए जो रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन का कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग तो आप देखेंगे बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर्स क्या है ओके देखो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स हैं कहीं पर भी अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है वह है सेल डिवीजन 11th का ये लेशन हम हमेशा आपको क्लास में बोलते थे 11th में बहुत छोटा सा ये लेशन है सेल डिवीजन लेकिन जितना ये छोटा है ये अकेला एक लेशन 8 से 10 लेशन के साथ इंटरलिंक है अगर आप सेल पढ़ रहे हो तो सेल डिवीजन आना चाहिए तो सेल अगर सेल डिवीजन पढ़े तो सेल का भी टॉपिक उसमें इंक्लूड होगा बायोमोलिक्यूल में आपको आएगा ठीक आप सोचेंगे बायोमोलिक्यूल में सब कैसे आएगा तो सेल डिवीजन में आपने क्या क्या देखा सेल डिवीजन में आपको आया होगा एक्सपेंडल फाइबर आया होगा बहुत सारे प्रोटीन आए होंगे तो वो सब क्या है बायोमोलिक्यूल के पार्ट से बने हुए ठीक ये हो गए अब आप देखो कि जैसे ही आप 12th आओगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन तीनों लेशन में सेल डिवीजन उसके बाद जेनेटिक्स जेनेटिक्स में जब आप पढ़ोगे तो देखना पूरा सेल डिवीजन आएगा कि दो जो अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं जो गैमेट अलग अलग बन रहे हैं तो सेल डिवीजन होगा तभी तो गैमेट बनेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें देखना बेटा कि कैसे डीएनए आरएनए कैसे डुप्लीकेशन होती है वहां पर सेल डिवीजन आएगा तो ऐसा कहीं जगह नहीं है जहां पर तो ये बहुत ही छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सेल डिवीजन तो उसको अगर डिवीजन नहीं है तो उसको फटाक से रिवीजन कर डालिएगा तो बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन पहले समझो कि किसी भी जगह रिप्रोडक्शन अगर होना है तो उस ऑर्गेनिज्म को पहले ग्रोथ करना पड़ता है अब आप देखो कि कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है क्या जन्म लेने के साथ फिर से रिप्रोडक्शन कर सकता है तो 16 साल 18 साल अलग अलग जगह भी अलग अलग तो ये एक फेज हुआ ड्यूरेशन हुआ
जैसे आप क्या जानते हो कि एक बैक्टीरिया कितना मान लीजिए इकोलाई है, तो एवरी 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो एक इकोलाई को जब डिवाइड कर दिया यहां पर दो इकोलाई हो गया। तो बेटा ये दो इकोलाई हुआ यानी 20 मिनट में दो इकोलाई हो गए, ऐसा क्यों? तो 20 मिनट का जो समय लगा ये क्या है इसका? ये ग्रोथ फेज है, ग्रोथ का पीरियड है। उसी तरह एक ह्यूमन का बेबी जो है, ह्यूमन में लगभग 14 इयर्स का समय लगा। तो ये 14 इयर्स के बाद में यहां पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये क्या हुआ? 14 साल का समय क्या हुआ उसका? ग्रोथ फेज हुआ। और ग्रोथ कैसे होता है? जन्म इतना छोटा सा बच्चा होता है, लगभग 2.5 kg का एक बच्चा जन्म लेता है, और आज आपके बॉडी का वेट कितना है? लगभग 40 किलो, किसी का 50 किलो। तो ये क्या हुआ ग्रोथ? ये ग्रोथ कैसे हुआ? ओनली ड्यू टू द सेल डिवीजन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप याद रखना है इस बात को कि कैसे क्या साइकिल चलता है। तो पहले ये आपको इसमें लिखाने की बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। ये एक कॉमन चीज है जो आपको बुक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप ये समझिए जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेंगे क्या भाई। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ तो बर्थ के बाद में वो क्या कहां जाएगा? पहले क्या करेगा? ग्रोथ। और ग्रोथ करने के लिए क्या होगा उसमें? मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए आप पहले समझो किसी का भी बर्थ हुआ तो बर्थ के लिए क्या होगा उसमें? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या करेगा? तो वो करेगा रिस्पायरेशन। और ये रिस्पायरेशन मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा उसमें? ग्रोथ। और जब ग्रोथ होगा तब वो रेडी होगा किसके लिए? रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन होगा तब फाइनली वो किसमें चला जाएगा? तब उसका फेज। यही होता है साइकिल, यही चलते रहता है। तो ये जो ग्रोथ है तो ये ग्रोथ किसके वजह से? तो ग्रोथ ये सेल डिवीजन की वजह से, ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब आइए, तो सेल डिवीजन क्या कहता है? यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए उसे सेल डिवाइड करना पड़ेगा, सेल डिवीजन होगा, चाहे वो माइटोसिस से या मियोसिस से। तो आइए Every organism undergo growth phase by cell division then they enter into reproductive phase। और तब वो क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। तो सेल डिवीजन एक बेसिक, इट इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। बिना सेल डिवीजन का रिप्रोडक्शन ही नहीं है, ये समझ लीजिए। ऐसा कोई रिप्रोडक्शन नहीं है जिसमें सेल डिवीजन ना हो, बस यही समझ लीजिए। आइए सेकेंड, डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। सेकेंड कैरेक्टर क्या है? ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। तो ये सेलुलर एपरेटस का डुप्लीकेशन क्या कह रहा है? डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस मतलब, तो सेल
और इस सेल के अंदर जनरली आप देखते होंगे अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा तो न्यूक्लियस आता है और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है क्रोमोसोम होता है। दिस इज द क्रोमोसोम बना होता है किससे डीएनए से प्लस प्रोटीन से। अगर कोई क्रोमोसोम है ठीक है इस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है और ये डीएनए जो होता है वह होता है बी ग्रुप से जेनेटिक मटेरियल ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल यही इसी का डुप्लीकेशन होता है इस डीएनए का। अब आप याद करो जब सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे यानी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे तो आपको याद आया होगा कि सेल डिवीजन में एक एस फेज आता है और इसी एस फेज में क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड डुप्लीकेशन ऑफ तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म। समझ के बात को डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म ये बात हो गई। अब इन दोनों के डुप्लीकेशन से देखेंगे ध्यान देंगे बात तो यही चीज है डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। तो एक का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का दोनों डुप्लीकेशन कब होते हैं तो सेल डिवीजन तभी पॉसिबल है जब डुप्लीकेशन और ग्रोथ रिप्रोडक्शन कब होगा जब सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन कब होगा तो जब ये दोनों का डुप्लीकेशन होगा। अब ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट सेकेंड कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट ओके। अब फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए ये फॉर्मेशन कब होता है ये बातें आपको देखनी है। रिप्रोडक्टिव यूनिट कहने का मतलब होता है कि जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो किसी की वजह से जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो उनको रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब हुआ कि एक तरह से ये नॉन स्पेशलाइज होता है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है ओके। चले लिखेंगे इसको तो फॉर्मेशन ऑफ ये बहुत ज्यादा नहीं है ये आपको ये दोनों पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसको आपको ध्यान में लेके चलना है। तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट इज स्पेशलाइज और नॉन स्पेशलाइज पार्ट विच आर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड सेपरेट और ये सेपरेट हो जाता है। ये अब आइए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन
ये हो गया। आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग से रिप्लाई आ जाएगा एक बार में। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले, तो दो तरह के ये जो रिप्रोडक्शन है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल का पूरा लेसन ही आपको देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का वो का है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग नेक्स्ट लेसन है वो उसी का पार्ट है। यहां पर मेन रूप से हम लोगों को देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखिए, तो ये दो टाइप्स के जो है, अब इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या-क्या फीचर्स हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई सिंगल पैरेंट पार्टिसिपेट करता है और इसमें जो सेल डिवीजन है जनरली वो सिर्फ माइटोसिस देखने को मिलता है। मियोटिक सेल डिवीजन जो है, मियोटिक सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आर डज नॉट अकर, यानी गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, सेल के लिए नहीं देखने को जनरली मिलता है। तो यहाँ पर जनरली तो कहते हैं फीचर्स में अगर आप लोग चलें तो ये क्या है, इट इज यूनिपैरेंटल, इन दिस सिंगल पैरेंट्स आर participates, that is uniparental, ठीक है। उसके बाद में देखें तो दूसरा चीज कहता है कि with और without gamete formation, लेकिन gamete का fusion नहीं होगा, gamete या तो बनेगा या नहीं भी बनेगा, लेकिन gamete का fusion नहीं होता है इस किसमें, तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो लिख सकते हैं विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बट गैमेट्स फ्यूजन आर एब्सेंट, लेकिन गैमेट का फ्यूजन जो होगा वो एब्सेंट होगा। अब आइए, जनरली अभी हमने क्या बोला कि जनरली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो माइटोसिस के थ्रू मिलता है। अब जब माइटोसिस अगर हो रहा है, ठीक है, तो माइटोसिस में जो पैरेंट और ऑफस्प्रिंग होंगे उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सिमिलर होगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, फोटोकॉपी के जैसा। ये दोनों पेन एकदम एग्जैक्ट एक ही जगह से, एक ही कंपनी के, एक ही डिजाइन के, एक ही कलर के, एग्जैक्ट कॉपी हुआ, जैसे जेरॉक्स कॉपी कैसे निकलता है उस तरह से। देखो हम यानी कि आपके और आपके पेरेंट में, हमारे और हमारे पेरेंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी हम अपने पेरेंट के नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि हम मेल हैं तो हमारे
फादर का एकदम एग्जैक्ट कॉपी है, मिलता जुलता है। वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर मियोसिस पार्टिसिपेट करता है। और आपको याद होना चाहिए बेटा कि जब कभी आप मियोसिस पढ़े होंगे सेल डिवीजन में, तो आपको आया होगा कि ड्यूरिंग द मियोसिस, यानी कि जो दो इस तरह से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यहां पर क्या कर रहे हैं, ये फ्यूजन हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक जगह होमोलोगस क्रोमोसोम के टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ज्वाइन होकर के जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सचेंज हुआ तो कुछ इधर का उधर गया, उधर का यानी मिक्सिंग हुआ। तो मिक्सिंग का मतलब अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, मिलावट हो गई एग्जैक्ट कॉपी नहीं। लेकिन जब माइटोसिस होता है तो वहां पर ये दो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स में इस तरह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं देखने को मिलता है। और जब तक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तब तक क्लोन बनता रहेगा। अब क्लोन एक टर्म आती है, तो देखिए पहले यहां पर बात क्या कह रहा हूं मैं, तो लिखेंगे इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लेकिन इस तरह का कोई भी चीज जो है वो माइटोसिस में नहीं होता है। तो इसीलिए अगर यह कोई एक सेल है और इसी अंदर न्यूक्लियस में यह क्रोमोसोम है और यह सेपरेट होकर के एग्जैक्ट कॉपी बना करके सेपरेट हो गया, यहां पर कहीं पर भी आपस में कॉपुलेशन यानी मिक्सिंग नहीं हुआ है, इसीलिए वेरिएशन नहीं आएगा, एग्जैक्ट कॉपी तैयार हुआ है। लेकिन कहीं पर कुछ अल्टरेशन कर दिया तो वह एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो इसी को कहते हैं क्लोन। द क्लोन आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोन आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर बात आती है कि क्लोन है क्या। तो क्लोन का मतलब क्या हुआ कि जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी, जेनेटिकली एकदम एग्जैक्ट कॉपी है। तो क्लोन का मतलब याद रखेंगे, क्लोन जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी है वो, एकदम एग्जैक्ट एक जैसा है। तो इसीलिए उसको कहते हैं जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी, क्लोन तैयार होता है इसमें। तो ये बात याद रखते कि यूनिपैरेंटल है, दो अलग अलग पैरेंट। हमारा कैसे होता है, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम दोनों फ्यूज करते हैं तो गैमेट बनता है, दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन ही नहीं हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कहां से वहां पर। तो एक ही पैरेंट से एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो जाती है, जिसे हम क्लोन कह देते हैं।
तो ये एक बात हो गई। अब देखो एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे प्लांट में ठीक है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू हो सकता है, कुछ लोअर बैक्टीरिया वगैरह में ठीक है, या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो रनर सकर स्टोरिन मॉर्फोलॉजी में आपको आया होगा, तो ये सारा पार्ट जो है वहां की चीज है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि एक स्पेशलाइज पार्ट होता है जो इस तरह के यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, पिलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्पेशलाइज पार्ट है। तो ये जो पार्ट होते हैं स्पेशलाइज पार्ट, ये पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो स्पेशलाइज पार्ट पार्टिसिपेट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्टिसिपेट्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आइए वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्शन होता है। देखो हायर प्लांट में या प्लांट जो ऐसे हैं तो एक स्पेशलाइज पार्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम लोग टर्म देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से उसको जानते हैं। तो प्लांट में अगर ये चीज है तो लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट is generally known as vegetative, generally known as vegetative reproduction। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, vegetative reproduction कहते हैं। Sexual reproduction in plant is generally known as वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आगे तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और प्लांट के जिस पार्ट से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। एंड द पार्ट ऑफ प्लांट्स, पार्ट ऑफ प्लांट्स that participates in asexual reproduction is known as vegetative propagules। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको vegetative propagules कहते हैं। Okay, is known as vegetative propagules। अब देखो sexual reproduction जो होता है वो quick and faster होता है, क्यों, क्योंकि ना इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होना है, ना गैमेट का फ्यूजन होना है, ठीक है, एक ही पैरेंट पार्टिसिपेट करता है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर क्या बोला मैं, हाँ ये सिंपल एंड क्विक होता है,
सिंपल है ठीक। ऐसा क्यों कि सिंपल और क्यूब क्यों है? बिकॉज नो गैमेट फॉर्मेशन, बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन आर नॉट रिक्वायर्ड। गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन आर गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन आर नॉट रिक्वायर्ड। गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन जो है वो जरूरत नहीं है, इसीलिए कैसा होता है तो ये क्विक एंड सिंपल होता है। अब देखो कि जो कुछ वे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देखने को मिलता है, या टर्म टाइप कह सकते हैं हम लोग, दोनों चीज है। हेडिंग दे सकते हैं सम इंपॉर्टेंट वे ऑफ सेक्सुअल सम इंपॉर्टेंट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोगों को इसमें देखना है जैसे फ्यूजन, फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन ठीक है, सेकेंड बाइनरी फ्यूजन बर्डिंग एस फॉर्मुलेशन, बर्डिंग हम लोग देखेंगे, थर्ड में देखेंगे ऑस्कोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है, फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और फिर फिफ्थ में देखेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ठीक है। तो और इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अपने से बाइनरी फ्यूजन आएंगे तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ये सब बाइनरी फ्यूजन, तो अलग अलग है। तो क्या है बाइनरी फ्यूजन बर्डिंग? देखो आप लोग सभी चीज को जानते हो, आपके लिए थोड़ा सा नया आएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये मॉर्फोलॉजी में भी आपको आया होगा। तो रनर सकर स्टोलन ये सब ऑफसेट ये सब जितने भी ट्यूबर ये सब जो पढ़ते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। बाकी बैक्टीरिया आप ये आपको प्रोटिस्टा में मैंने भी पढ़ाया होगा आपको बाइनरी फ्यूजन बर्डिंग ये सब आपको आया होगा, तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन अब इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या क्या, तो बाइनरी फ्यूजन बर्डिंग ये सब ऑस्टोरेशन के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके। चलिए तो सभी लोगों को जहाँ तक आज हुआ है इसका पर्सनली नोट्स प्रिपेयर करके और टूडे इवनिंग तक मेरे व्हाट्सएप पे सबके नोट्स के फोटो आने चाहिए, इट इज कंपल्सरी। क्या है तो प्रिपेयर नोट्स और सेंड मी ऑन, या मेरा नंबर है आपको मैं दे रहा हूं, या तो व्हाट्सएप कीजिए या उनको जैसे भी आपको व्हाट्सएप ऑन 9097015051। और नोट्स जो आप भेजेंगे आप अपना नाम जरूर से लिखेंगे, नेम और अगर याद रहे तो रोल नंबर, ये दोनों चीज के साथ में प्रिपेयर नोट्स का फोटोकॉपी जहां तक आज हुआ है मुझे इस नंबर पे आपको सेंड करना है, इट इज कंपल्सरी एकदम पर डे ये काम होना है। नोट बना, बनाने के बाद में फोटो खींचा उसका मोबाइल से और उसके बाद मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, और जिसके नहीं आएंगे उसके
पेरेंट्स से मैं बात करने वाला हूँ, उनसे पूछूंगा और अगर फिर भी आप नहीं समझे तो आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। तो ये सब चलिए आगे की बात नहीं, बट आप लोग सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।